अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर के नोट्स हैं। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मजीद वीडियोज़ आने वाली हैं चैनल के ऊपर, जहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है कि ईजी नोट्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए और आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करना। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट मी स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, दूसरा चैप्टर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें सबसे पहले आप देख लो ये सिलेबस है, उसके बाद ये क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, या आप अच्छे से वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये देख लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन देखे। ये शॉक थेरेपी का क्वेश्चन 3 साल 2016, 18 और 19 में आया है, तो इसके चांसेस हैं इस साल आने के, आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हैं आपके एग्जाम में। और पहला क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोवियत सिस्टम, इसके फीचर्स और ड्रॉबैक्स आपको मेंशन करने हैं। तो ये आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, पूरा टू द पॉइंट आंसर बनाया गया है। ये निसार सर के द्वारा बनाए गए हैं आंसर्स, मैं आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में और एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो फीचर्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी है। दूसरा क्वेश्चन है Describe briefly how USSR emerged as a big power after Second World War. या ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, What was the economic condition of Soviet Union after Second World War? सेम क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम में, किसी तरह का भी क्वेश्चन आए आंसर सेम लिखना है। ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स ये आप लिख सकते हो, आपको बराबर के मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, राइट डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR. या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ डिड सोवियत इकोनॉमी स्टैगनेट। तो इसका भी छोटा सा आंसर है, इकोनॉमिक स्टैगनेशन नीचे ये लिखा हुआ है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन। तो इसका आंसर भी आप अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट वाज शॉक थेरेपी, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम्स। तो देख सकते हैं आप आंसर छोटा सा है, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये टू द पॉइंट है। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि आपको यही टू द पॉइंट याद करके आप अगर एग्जाम में लिखते हो तो आपको 100 out of 100 मिल जाएंगे, ठीक है। निसार सर लेक्चरर ने खुद ये प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं। व्हाट वेर द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गॉर्बचाव टू इनिशिएट रिफॉर्म इन USSR। या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, What were the defects in Soviet system? तो आप आंसर लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, What is Perestroika and Glasnost? और या What reforms were introduced by Gorbachev in Soviet system? तो इसका आंसर ये है। और आठवां क्वेश्चन, Describe India's relationship with Russia in detail. हिंदुस्तान की क्या रिलेशन है रशिया के साथ, वो डिटेल में लिखनी है। तो यहाँ पे आंसर आप देख के वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। बस इतना आपका ये पहला चैप्टर है, टोटल 8 क्वेश्चन इसमें है, 8 के 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप ये 8 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आप